हमारी सर। वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और अच्छा सर, हाँ 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 हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो हम कर रहे हैं उसमें सर आज जा आपका योगदान होना चाहिए। सर आदेश करें सर आप क्या हमसे हमारी हमसे जो उम्मीदें आपकी बताएं सर, हम उससे कुछ कोशिश करेंगे सर। पत्रकारों देखो, एक हम पत्रकारों का पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं और का सर, हाँ, हाँ पत्रकारों हाँ का 21 विधाएं हैं, उसमें पत्रकार भी एक विधा है, हाँ ठीक है सर, हाँ 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 जैसे हाँ किसानों की है, युवाओं हाँ और जी विद्यार्थियों हाँ की है, शिक्षक टीचर्स की है, संतों हाँ की जी भी है, वकीलों हाँ हाँ की है, सबकी है, उसमें एक पत्रकारों की विधा भी है। तो अच्छा सर, मैं वेरी गुड। चाहता हाँ हूँ हाँ कि पत्रकारों को जोड़ने में, आप सभी को जानते हैं, पत्रकार हाँ हाँ जो जी। जुझारू हैं। देखो, एक पत्रकार तो ऐसे हैं जो पेट पाल रहे हैं हाँ बेचारे, जी, हाँ उन्होंने, और देखो, हाँ पेट तो हर किसी को पालना होता है। हाँ हाँ और ये भी जी, बात हम मानते हैं कि भैया देखो, परिवार लगा हुआ है, परिवार का दायित्व भी सभी, वहाँ दायित्व है। हाँ जी, हाँ हाँ लेकिन इस जी, परिवार के दायित्व के साथ चाहे पेपर में ना छापे, लेकिन हाँ टेबल हाँ हाँ पे जो है वो पद स्वीकार करें और हाँ विधाओं में लोगों को जोड़ने में, उन तक बात पहुंचाने में, हाँ ये क्योंकि ठीक है, ये ये तो अच्छा सर, अब समय कम है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ इस समय हाँ के यदि हम लोगों ने ये थोड़ा सा त्याग कर दिया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जी, हाँ दिसंबर में मध्य प्रदेश में अपराध मुक्त भारत मिशन के चंद्रगुप्त ही शासन में होंगे और वो अरे सभी वाह, राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, सभी अरे राजनीतिक क्या, पार्टियों के। हाँ सर सही भाई, ये तो बड़ा अच्छा, और कयास भी इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि अगर सिस्टम ऐसी रहा तो बिल्कुल ये ऐसे असर होना है बड़े नेताओं का। हाँ, जी, क्योंकि ये इतना हाँ पावरफुल सिस्टम है, बहुत इस ज्यादा सर, हाँ सिस्टम में 21 लक्ष्य जो हम कह रहे हैं वो जी, जापान हाँ में हाँ 2 मिनट में आ जाएंगे, क्योंकि हाँ दुष्ट राजनेताओं का सोच और चिंतन तो वो है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है सर, उनका चिंतन तो समय बताइए ऐसा वैसे वैसी मध्य प्रदेश में तो साहब खास तौर से यार, राम राम राम, बड़ी बुरी हालत है साहब, क्या करिए बताइए, मध्य जी, प्रदेश कुछ बहुत ही बंद। बुरी हालत है। और जी जी जो हमारा तंत्र है, वो जो तंत्र जो है भारतीय गुलामों को दबाने के अरे लिए हाँ, तंत्र था, अब जी उस तंत्र का इतना बुरा हाल है कि घटिया जी कानूनों का भी वो पालन नहीं कर रहा है। भाई सर, गोरे अंग्रेजों के बजाय काले अंग्रेज राज कर रहे हैं, यही हुआ है बस उन्होंने सर। और बुरा हाल कर दिया है। और बुरा हाल कर दिया उन्होंने, वो तो फिर भी संवेदनशील थोड़े रखते थे, अंग्रेज लोग उदार माने जाते थे, लेकिन अपने यहाँ तो बिल्कुल यानी कि कोई उदारता का नामो निशान ही नहीं है सर। आप बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं और आप बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं। हम आपका लिख रहे हैं, हाँ मैं ऐसा सर, थोड़ा बहुत आप पढ़ लेते, यही बड़ी बात है सर, क्या बात नहीं, आप है। बहुत अच्छा अरे लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन इसको जी, यदि ठीक हम समाधान ला सकते हैं है जी, हाँ 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 और 21 लक्ष्यों के साथ यदि देश का और पहले प्रदेश का यदि हम भविष्य बदल सकते बस हैं। बस प्रदेश के, हाँ अपन प्रदेश के, हाँ सही बात है सर, सर जी, नहीं, हाँ अभी अभी दिसंबर में तो प्रदेश की ही बात करें ना, हाँ 2024 में बिल्कुल प्रदेश सही, की बात करेंगे। हाँ बाद में बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, प्रदेश में इस समय बिल्कुल मौका भी है, माहौल भी है, दोनों है। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें जी, देखो, 21 विधाएं हैं, ठीक है ना, हाँ समझ गया, जी हाँ जी, हाँ इन हाँ विधाओं से जुड़े लोगों को तक बात पहुंचाना और हाँ जिनमें ऊर्जा है, देखो हाँ कुछ तो हाँ शुद्ध जो है दलाल बन गए हैं, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आंखों हाँ का जी, मोह है। देखो, मैं एक एक चिंतन आपके सामने रखता हूँ कि जी, देखो, हाँ कांग्रेस हाँ हाँ जीती हाँ और 1952 के पहले चुनाव में भी इन दुष्टों जी, ने बूथ कैप्चरिंग कराई थी। हाँ अच्छा सर, अच्छा 1952 में भी बूथ कैप्चरिंग हुई, ठीक तो अच्छा हुई थी, अच्छा, हाँ है ना। अरे हाँ हाँ तो हाँ इन्होंने 1952 में किनको टिकट दिए, उन्हीं हाँ राजा महाराजा जमींदारों को जो हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जो बिल्कुल, कि हाँ शोषण के तंत्र थे, हाँ थे और अभी तक है सर, अभी तक है और उन्हीं दौलत के से, बिल्कुल उन्हीं के बच्चों को अभी भी दी जा रही है, बिल्कुल 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 सर, दी जा रही है, बिल्कुल दी जा जमींदारों रही और बाकी दुष्टों के वो भी टिकट दिए। तो है, हाँ और उन्होंने उनको, जो कोई भी वोटों के ठेकेदार थे, चाहे जी, हाँ वो समाज के हों, जाति के हों, धर्म के हों, उन जी, ठेकेदारों को पकड़ के इन्होंने
इन्होंने हाँ माना कि उन्हीं के माध्यम से अब तक चुनाव जीतते आ रहे हैं और आगे भी जीतेंगे, आगे भी जीतते रहेंगे। और साहब मध्य प्रदेश में तो बहुत शर्मनाक स्थिति शिवराज ने की थी कि उन्होंने श्रीमती सिंधिया यशोधरा के कहने पर एक सर्कुलर निकलवा दिया था कि उनके नाम के आगे श्रीमंत लिखा जाए, ये तक हो चुका है इस प्रदेश में। हाँ यही यही सब हो रहा है, यही सब हो रहा है। और सब कांग्रेस में भी, कांग्रेस भी धुली हुई नहीं है। पहली जो कम्युनिस्ट सरकार देश में बनी थी केरल में, उसको बर्खास्त करने का इंदिरा गांधी तब कांग्रेस की अध्यक्ष थी नेहरू जी के काल में, और उन्होंने उसको बर्खास्त करवाया था। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस तो शुद्ध रूप से दुष्ट है, जानते हाँ आप, ये भी होते ही है मतलब। नहीं देखिए ऐसा है, देखिए यदि ऐसा है, यदि हम भाजपा और कांग्रेस की तुलना करें तो भाजपा को यदि दुष्ट कहेंगे तो कांग्रेस को महादुष्ट कहना होगा। वो सर वो है ना, एक नागनाथ एक सांपनाथ, ये है। नहीं दोनों में कम फर्क है। देखो एक को पहले लंबे समय तक मौका मिला और उसने इस देश के साथ दुष्टता करते हुए, विश्वासघात करते हुए बिल्कुल 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 उस समय जो है सत्ता का हस्तांतरण कराया, जिसमें अंग्रेज बहुत डरे हुए थे हाँ। और जो इतिहास विश्व युद्ध के कारण आर्थिक रूप से भी बिल्कुल वो खंगाल हो रहे थे वो अंग्रेज। इनके जो कमांडर इन चीफ क्लाउड ऑचन लेक है, उन्होंने जो पत्र बॉबेल को लिखे हैं उनको पढ़िए ना, उससे मालूम पड़ता है कि कितने डरे हुए लोग थे। हाँ डरे हुए उस समय जो है दुष्ट कांग्रेस ने सत्ता का हस्तांतरण इनकी शर्तों पर स्वीकार किया उनकी। हाँ तो भारत पाकिस्तान का और ये बताइए अंग्रेजों ने कानून क्यों बनाए थे? अंग्रेजों ने कानून बनाए थे 1857 की क्रांति को दोबारा ना हो उसको कुचलने के लिए। हाँ पुलिस एक्ट भी उनका उसी समय का था, 1861 का पुलिस एक्ट है, 1860 का ईपीसी, 1872 की जो है ना सब चल रहा है, सब चल रहा है। तो ये घटिया नियम कानून जो इस दृष्टि से बनाए थे इस दुष्ट कांग्रेस ने जनता पे थोप दिए, बिल्कुल जनता पे थोप दिए। जो वही 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 चल रहे हैं। आप ये बताइए जो कुछ कुछ चंद जो है अंग्रेज भारतीयों का भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए, शोषण करते हुए, तोड़ते करते हुए जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी, वही प्रशासनिक व्यवस्था आज भी आप पर थुपी हुई है। जो अपने आप में लाटसाव है, जवाबदेह नहीं है, जिनके पास अधिकार है उनके पास जो है जिम्मेवारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट। और वो उनका कद वो कानून से ऊपर हो गए हैं, और जो छोटा मोटा घटिया कानून है वो उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। और नाटक करते रहते। आपको तो मालूम होगा साहब, मध्य प्रदेश में एक तिरखा कमेटी बनी थी जिसका पुलिस मुख्यालय में ऑफिस था, है ना साहब, उस समय में था। कहते तो ये थे कि वो पुलिस वालों की जासूसी के लिए दिग्विजय सिंह ने बढ़ाया था उनको। देखो जासूसी वासूसी छोड़ दिया जाए, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि 2006 के माइलस्टोन जजमेंट के बाद भी दुष्टों ने उसका ठीक ढंग से पालन नहीं किया, उसका जमीन पर उल्टा किया है। आज बिल्कुल आप उल्टा किया है। आज देखो पूरी पुलिस सिपाही तक जो है ना इनके जकड़ में आ गई है। सर कौन सा आप बता रहे हैं वो आदेश जिसकी बात आप उल्लेख कर रहे हैं, कौन सा है वो? 2006 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु का माइलस्टोन जजमेंट दिया था पुलिस सुधार का, अंडर आर्टिकल 142, जिसमें जुडिशरी को न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने के एब्सोल्यूट पावर हैं, उसका उपयोग करते हुए उन्होंने जजमेंट जारी किया था। और उस जजमेंट का इन दुष्टों ने इतना बुरे तरीके से पालन किया कि आज पूरा पुलिस विभाग जो है इनके पूरे कब्जे में आ गया है। पहले आप याद करो कि एसपी बहुत सारे केस में अड़ जाते थे और ये कुछ नहीं कर पाते थे, अब तो कुछ अब जो है सिपाही तक इन्होंने जो ना पूरा जकड़ लिया है, चारों तरफ तराई तराई मची हुई है, पैसे लेकर जो है ना पोस्ट जकड़ भी क्या सर, पुलिस वालों पे इतने जवाबदारियां सौंपी गई। आप बताइए इस समय 20-25 हजार से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो पुलिस वाला करेगा भी क्या? उसको काम इतने सौंप दिए गए, लव जिहाद भी सौंप दिया है आपने, और VIP सुरक्षा भी सौंप दिया, बागेश्वर धाम वाले को भी आप जेड सुरक्षा दे रहे हो, सबको सुरक्षा दे रहे हो, उसमें लगी रहती है पुलिस, पुलिस का पुलिस के पास करने के लिए है ही क्या सर?
क्या कुछ नहीं कर सकती है। जो कुछ भी है उसके हाँ साथ में भी जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है, वही हाँ पुलिस बिल्कुल अपने बिल्कुल कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। अब ये बताइए, हाँ 90% जो है फरियादियों को भगा दिया जा रहा है, आवेदन पत्र लेके भगा दिया जा रहा है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही है। जब उसी त, हाँ उसी उसी वहीं पर लगभग 90% केसेस में ही फर्जी झूठी FIR दर्ज हो रही है, दबाव बनाने के लिए FIR दर्ज हो रही है, दबाने के लिए, तोड़ने के बिल्कुल लिए बिल्कुल FIR दर्ज हो रही है, और दो पर्चे काट के उसको जो है गिरफ्तार हाँ करके जेल में सड़ने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं चारों, तो वो जो है ना त्राही त्राही मची हुई है। बहुत ज्यादा हालत खराब है, वाकई में बिल्कुल हालत खराब। और ये सब पुलिस में नहीं है, हर सेक्टर में ऐसा रहता। आप मेरे बिल्कुल ख्याल सही, से तो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रशासन के हर उसमें यही हर स्थिति उसमें, है। हाँ चाहे कलेक्टर हो चाहे कुछ हो, सर कोई भी हो देख लीजिए, सब सब उसी के अंदर वो हो रहा है। कलेक्टर लेकिन ही लोग वो नाटक कर रहे हैं कि मूर्ति लेके चलते रहते हैं। मैंने तो लिखा भी था, एक विदिशा में कलेक्टर से सुचारी और एक मैडम थी बंडला में फारूकी, जो आज हमारे एसपी वली साहब की वाइफ, इन दोनों के फोटो आए थे कि वो ऊपर रखे सर पे रखे और कुछ दिन मूर्ति लेके के चल रहे थे वो लोग। तो ये हालत तो कलेक्टरों के भी है सर। आप सभी सभी विभागों की यही हालत बना दी है, विभागों की बात और ये स्वयं अच्छे चरित्र के लोग नहीं हैं। देखो, नहीं 2019 में पार्लियामेंट में 42% क्रिमिनल्स थे, जो जो हाँ 2022 में उत्तर प्रदेश में बढ़ के 51% हो गए। 403 में से 205 विधायक जो है वो आपराधिक चरित्र के थे, आबादी चरण के हाँ केस और लगा अभी दिया है अभी कर्नाटका में यह जी। संख्या बढ़ के 55% हो गई है। अरे बाप, हाँ बताइए दो केस सौ उनके भी चवालीस क्या में से 55% विधायक है। जो है वो हाँ आपराधिक चरित्र के हैं, और हाँ है 97% उसमें हाँ करोड़पति हैं। तो करोड़पति है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साहब ये हाँ, लोग किस बेशर्मी से उनका वो बचाव कर रहे हैं, वो जो अभी महिला खेल कुश्ती और कुश्ती खिलाड़ियों के बारे में जो हुआ, वो जो कुश्ती ये संघ का अध्यक्ष है आपने बताइए। बहुत सही बात कही है। बताइए कि जो महिलाओं की वो है, क्या पुलिस की वैधानिक जिम्मेवारी उनका FIR तत्काल दर्ज करने की थी कि नहीं थी? तो बिल्कुल बताइए। वो मतलब मैं जिन्होंने ये बता रहा FIR हूँ दर्ज नहीं की उनको Article 311(2) के तहत डिसमिस कर देना चाहिए। और क्या, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे की भी आते वो फिर पाक्सो का नाटक हो गया कि वो तो वो नहीं है, नाबालिग नहीं है, ये सब भी चलता रहा। ऐसी वो एक मिश्रा करके ये बहुत दुष्टतापूर्ण बात है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि सामने वाले ने प्रेयर की हो चाहे ना की हो, इन दुष्टों ने उत्तर प्रदेश बस्तर ललिता कुमारी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस ललिता कुमारी वाले जो 5-6 सिक्वल जजमेंट हैं, जिसका हाँ सम चलिए टोटल है कि पुलिस को केस रजिस्टर करना ही चाहिए, मुझे तो हाँ लगता है कि पुलिस उसको सुप्रीम कोर्ट को स्यू मोटो संज्ञान लेके वो उन पुलिस जी वालों को जेल भेजना चाहिए। जी अब सो मोटो आपका पुलिस कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे लड़ी हुई है कि उसने अभी कल परसों में पढ़ रहा था आया था कि आप लोग कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में चले आते हैं उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। खुद में ये लोग और ने सुप्रीम कोर्ट की भी नाक में दम कर रखी है। अच्छा मोदी जी का पूरा ध्यान है कि जो जजों की रिकमेंडेशन है उनको पेंडिंग करके रखो, उनको कोई मतलब नहीं है कि मुझे कैसे भी नहीं, करो। उसमें कहीं ना कहीं जजेज भी दोषी हैं। अब हाँ आप ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कॉलेजियम सिस्टम क्यों होना हाँ चाहिए? तो वही हो जाएगा कि IAS IPS कहें कि हमारे बच्चे ही IAS IPS बनेंगे, क्यों बनेंगे? तो हाँ हाँ सही बात ये हाँ तो ये तो ये तो देखो, यही जी कारण जी है कि कई बार जुडिशरी भी दब रही है। नहीं साहब देखिए, कॉलेजियम सिस्टम क्यों आया, इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी में जुडिशरी के साथ किया उसके उस समय बीजेपी ने भी उसको, लेकिन अभी चलिए मान लीजिए खराब है, आप दूसरा कोई सिस्टम लाइए, लेकिन आप हम उस तो सिस्टम को बड़ी उतने बात ही कह रहे हैं कि गुलामों के नियम कानून बदल देना चाहिए, बदल जाएंगे, और बदल देना नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं हम बदल देंगे, हम तो वो दूसरों से बदले, बात ही नहीं लेकिन कर रहे हैं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि ये हम करेंगे। जब तक जुडिशियल जैसी तब तक तो आप उसको सम्मान कीजिए, तब तक तो वो नहीं, मैं सब उसकी बात सही नहीं है। कर रहा हूं, अभी तो मैं फिर से हाँ जो हाँ है ना आपके एक नियम कानून पे आ गया हूं नियम कानून हाँ कि नियम हाँ कानून में सही आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, प्रशासनिक बात व्यवस्था ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। यदि समय पर निर्णय नहीं लेती है, गलत निर्णय लेती है, आप बताओ कितनी दुष्टता है कि जब हाँ आप जी जानते हैं कि आपसे गलती हो गई है
और आप फिर हर इंडिविजुअल से कहते हैं आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से न्याय लेके आइए। आपको उल्टा नहीं करना चाहिए, जिसने गलत निर्णय लिया उसको उसको जो है ना सजा मिलना चाहिए, और जिस उनके गलत निर्णय से जो भी प्रभावित है शिवो मटो सबको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भाई आप बुलडोजर चला रहे हो, बाद में जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, पहले जब उसने जो नियम तोड़ा था उस समय तो कुछ क्यों नहीं आया। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ कि बुलडोजर एक्ट बनाइए ना, एक बुलडोजर एक्ट में लिखिए कि साहब हम ये करेंगे, तो वो बुलडोजर जो है ना समभाव से चलना चाहिए, सभी समाज पे, सभी धर्मों पे, सभी तरीके से, उन भाजपाइयों पे भी चलना चाहिए जो उसमें जो जो उसमें आते हैं उस सीमा में, बिल्कुल है। तो वो सिलेक्टिवली जो है अपने अपने अपोनेंट को सेटल करने के लिए बुलडोजर चलाना, ये दुष्टता है, दुष्टता है बिल्कुल। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहा भी है ना साहब कि आप तो बिना उसकी हमारी अनुमति के तलाशी नहीं ले सकते, आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। ये भी कहा है कोर्ट ने। नहीं हम तो ये भी नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो है सख्त कानून बना सके, लेकिन वो कानून संविधान के तहत वैलिड होना चाहिए। तो दुष्ट इन दुष्ट लोगों ने तो संविधान की धज्जियां उड़ा के कानून बनाए हैं। आप ये बताइए, ये बताइए इस देश में कास्ट क्रीड और रेस और रिलीजन के आधार पर मतभेद नहीं किया जा सकता है, इन दुष्ट राजनेताओं ने इसी के ऊपर मतभेद किया, इसी के ऊपर पॉलिटिक्स की। आप ये बताओ इस देश में मंडल कमीशन कैसे बन सकता था, बन ही नहीं सकता था। इट इज ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट क्रीड के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए वक्फ बोर्ड जो है क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बिल्कुल बताइए। हाँ कोई तो बताइए, जब जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये वक्फ बोर्ड जो है अपने आप में नल एंड वॉइड हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात, कुछ नहीं किया लोगों ने, कुछ नहीं किया, वही नहीं, अपने आप नल एंड वॉइड होना चाहिए, इसे इन्हें वैलिडेट नहीं करना चाहिए था। और ये तो इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने 1995 में और 2005 में उसमें इतने घृणित संशोधन किए जो किसी भी तरीके से माफी योग्य नहीं है, माफी योग्य नहीं है, इतने दुष्ट हैं। अब आप ये संशोधन इतने घातक किए हैं कि आज कोई यदि वक्फ प्रॉपर्टी कहीं पे हाथ रख दे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो आप डिफेंड करते हो, वो भी इन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाकर डिफेंड करिए, और आप ये कहीं आप कोर्ट में न्याय मांगने भी नहीं जा सकते, इतना इन्होंने घटिया कानून बनाया। पांच में तो कांग्रेस ने किया होगा, उसके बाद से नहीं, ये कांग्रेस ने ही किया है। नहीं तो बीजेपी को आप 9 साल से सत्ता में उसको रिपील कर देना था उसको। हाँ तो ये तो उसने एक भी अच्छा कानून रिपील नहीं किया जो कि संविधान के विरोध था। उन्होंने वर्सिप प्लेसेस एक्ट जो है जो कि असंविधान एक अच्छे, बताओ आज के संविधान के परिस्थिति में क्या आप ऐसा कोई कानून बना सकते हो जिसमें न्यायालय जाने से प्रतिबंधित करो जनता को, नहीं कर सकते हो। तो फिर ये वर्सिप प्लेसेस एक्ट का सेक्शन 4 क्या कह रहा है कि आप न्याय की भीख नहीं मांग सकते हो, तो हमारी दृष्टि से तो ये असंवैधानिक है। बिल्कुल तो ये असंवैधानिक एक्ट को जो है ना 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अब तक रिपील क्यों नहीं किया? अब वो पत्रकारों वाला दायित्व हमको बता दीजिए कैसा अपन उसमें। हम देखिए इसमें ये चाह रहे हैं कि आप एक इसमें भूमिका लें, ठीक है ना। इसमें हम जो है हमारे जो स्तर हैं राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर, तो राज्य स्तर की बात करें आपके लिए, राज्य में के नीचे संभाग स्तर, संभाग के नीचे जिला स्तर, जिला के नीचे सब डिवीजन का स्तर, उसके नीचे ब्लॉक स्तर, उसके नीचे शहर का स्तर और गांव का स्तर, और फिर पोलिंग बूथ का स्तर, इतने स्तर हैं। और हर स्तर पर जो है इन 21 विधाओं में 37-37 पद हमने बनाए हैं, एक अध्यक्ष का, 5 उपाध्यक्ष के, 10 जो है सहायक उपाध्यक्ष के, और 21 की कार्यकारिणी समिति है। राइट, ये सभी विधाओं में है, पत्रकारों की विधा में भी ये है, राइट। चूंकि पत्रकार सबसे ज्यादा घूमते हैं, लिहाजा वो जो है अच्छे लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि साहब ये लोग हैं जो कि इस महापरिवर्तन में आपका जो है ना के साथ आगे बढ़ेंगे, तो चाहे वो जो है ना ठेकेदार होने की जरूरत नहीं है, उन्हें बड़ा लोग होने की जरूरत नहीं, उन्हें धनी लोग होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनमें जज्बा होना चाहिए जो जन जन तक पहुंचा के और इसको हम खड़ा कर दें। तो आप जो है पत्रकार विंग को और जिन अच्छे लोगों को जानते हैं, चाहे वो किसी भी विंग के हों, चाहे वो व्यापारी के हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो वकील हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, 21 विधा के किसी के भी अच्छे व्यक्ति को आप जानते हैं,
तो उसका नाम भी आप प्रस्तावित कर सकते हैं कि साहब इसको जो है इसको जोड़ा जाए और उस हाँ, तक हमारी बात पहुंचा के उसकी यदि सहमति आएगी तो उसको वो पद भी दे दिया जाएगा। तो हम चाहते बिल्कुल हैं कि पत्रकारों की विंग खड़ा करने के लिए आप खुद हाँ, जो है पद स्वीकार करें। तो अच्छा अच्छा आप नहीं जिला स्तर का स्वीकार करेंगे, राज्य स्तर का स्वीकार करेंगे या संभाग स्तर का स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिले के नीचे तो आपको जाना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो राजस्थान में पत्रकारों का काम कुछ देख रहा है क्या अभी हाँ, कुछ लोगों को दिया है लेकिन उसमें जगह है, राजस्थान उसमें तो जो है अभी अपन देखो अध्यक्ष किसी को नहीं बना रहे हैं, राइट। का? हाँ, अध्यक्ष हम ये कह रहे हैं अध्यक्ष बाय काम के आधार पर हम उसको अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा हम उसमें ये कह रहे हैं कि हाँ, शुरू में सभी लोग परीक्षाधीन होंगे, तो हम जिसको उपाध्यक्ष बता रहे हैं उसके ब्रैकेट में परी भी लिख रहे हैं, परीक्षाधीन, और वो परीक्षा अवधि 2 महीने की है। यदि दो अच्छा महीने में आपने अच्छा काम नहीं किया तो वो आपका प्रोबेशन पीरियड 2 महीने बढ़ जाएगा, राइट। अच्छा हाँ और यदि फिर अभी नहीं किया तो बढ़ता जाएगा। और जो परीक्षाधीन पद होते हैं वो सुपर न्यूमरेरी होते हैं, तो हाँ हम चाहें तो 100 परीक्षाधीन वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं, राइट। तो हाँ 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 संख्या की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हाँ ख्याल से। आप यदि पसंद करते हैं तो हाँ मैं आपको राज्य स्तर का हाँ पत्रकार विंग का जो है उपाध्यक्ष का पद आपको देना चाहूंगा, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ साहब, मुझे पद मत दीजिए, मैं फिलहाल जो है वो पद ये राज्य स्तर के देखो देखो, पत्रकार पद मैं इसलिए देना चाह को मैं देखिए पद मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि खेलता इसमें हमारा स्वार्थ है। हमारा स्वार्थ ये है कि हम हूँ। आपको पद देंगे तो फिर हम आपसे कल पूछ पाएंगे कि भैया 24 घंटे में आपने क्या किया। दीक्षित जी अच्छा, राजस्थान में अध्यक्ष कौन है साहब? अभी किसी को नहीं बना, अभी किसी को बना ही नहीं रहे, अध्यक्ष किसी को नहीं बना रहे हैं, अच्छा, अभी उपाध्यक्ष बना रहे हैं वो भी परीक्षाधीन, और उनमें से जो अच्छा काम करेगा उसको हाँ, अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छा, ठीक बात है। हाँ, उसका काम जो है ना तय करे कि वो अध्यक्ष बनने लायक ठीक है, है कि नहीं, हाँ, तो ये ठीक उसमें तय किया है। हाँ, तो ठीक है, मैं देखता हूँ उसको यदि पत्रकारों आप का। जो है हाँ सहमत हैं तो इसमें जो काम करना है हाँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक हाँ हाँ आपको सहमति पत्र भेजना है कि आपकी अच्छा चर्चा के अनुसार आपने मुझे राज्य स्तर का पत्रकार विंग का उपाध्यक्ष घोषित किया है, मैं इसे तहर्से स्वीकार करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ दी गई इस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। एक इस तरीके की ठीक सहमति आपको अपने शब्दों में लिख के भेजना है, नंबर वन। दूसरा हाँ जो है आपको 3 दस्तावेज भेजना है, एक आपको आधार कार्ड भेजना है, एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड भेजना है, और एक क्राइम फ्री भारत मिशन से आप जुड़े हैं तो उसकी हाँ प्रोफाइल आईडी में यदि आप इंटर करेंगे तो आपका जो है ना उसमें आइडेंटिटी कार्ड है, तो उस आइडेंटिटी अच्छा कार्ड को जो है डाउनलोड करने का 4 विकल्प हैं कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, दूसरा है हाँ कॉपी लिंक, तीसरा है शेयर ऑन मीडिया और चौथा है डाउनलोड लिंक। तो जब अच्छा डाउनलोड लिंक को आप डाउन करेंगे तो ये आपका आइडेंटिटी कार्ड आपके फोटो गैलरी में आ जाता है, तो उसे भी आपको शेयर करना है, राइट। एंड एक अच्छा सुंदर फोटो भेजना है क्योंकि बाद में हम इसके अपॉइंटमेंट, अभी तो हम इसी आइडेंटिटी कार्ड में आपको ये जिम्मेवारी दे देंगे लेकिन 10-15-20 दिन बाद आपको जो है प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर और एक अलग जो है ना पावरफुल जो है आइडेंटिटी कार्ड, बहुत अच्छा आइडेंटिटी कार्ड एक अलग से और भी सेकेंड टाइम भी इशू किया जाएगा, राइट। तो उसके लिए एक सुंदर सा फोटो आपको भेजना है और आपका जो पोलिंग बूथ नंबर है और पोस्टल पिन कोड नंबर है, ये इतनी जानकारी आप भेजेंगे तो हम आपको आज ही जो है क्राइम फ्री भारत का राष्ट्र जो है राज्य स्तरीय जो आपका पत्रकार विंग है उसका उपाध्यक्ष घोषित करूंगा। और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों से बातचीत करके नीचे तक पोलिंग बूथ लेवल तक जो है पत्रकारों की विंग को खड़ा करने में हमारी मदद करें। तो इतने सारे पत्रकार आपसे जुड़े हुए हैं जो 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 जिनमें ऊर्जा दिख रही है, और हम उनसे ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि वो अपने पत्रकारों अपने पत्र में हमारे बारे में छापें, नहीं बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। वो अपना देखो वो उनकी कलम बंधी हुई है बेचारों की, राइट। हाँ, बिल्कुल वो हाँ, बेचारे जो है ना जो मालिक कहेगा वो छापेंगे, लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल मालिक का काम करने के बाद तो उनका जो है ना फिर तो वो किसी के बंधन में नहीं है। तो हमारे लिए जाके जो है ना कॉलेज में, स्कूल में, टीचर्स में, यहाँ 21 विधाओं में लोगों को जोड़ें, बात पहुंचाएं, और कुछ ना करें तो हमको उस नाम सुझाएं के साथ देखो किसान विंग में इसको ये जिम्मेवारी दे सकते हैं, अच्छा, मजदूर विंग में इसको ये जिम्मेवारी दे सकते हैं, स्लम एरिया विंग में इसको ये मजदूर। तो आप तो सब जगह घूम रहे हैं ना, स्लम एरिया में भी घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, व्यापारियों में भी घूम रहे हैं, पीएचक्यू में भी घूम रहे हैं, तो शासकीय विंग के भी आप सजेस्ट कर सकते हैं।
रिटायर्ड बिल्कुल और उसमें रिटायर्ड और सर्विंग दोनों के लिए है, क्योंकि ये मिशन है, ये कोई हाँ राजनीतिक पार्टी नहीं है और इसके लक्ष्य तो इतने महान हैं कि कंडिट रूल का कोई वायलेशन नहीं है, कोई आप चक्का हाँ जाम नहीं कर रहे हैं, कोई आप किसी को पिटीशन नहीं दे रहे हैं, तो ये तो हाँ महान मिशन है। इसमें शासकीय हाँ और अशासकीय सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो हाँ मैं दीक्षित जी आपसे अनुरोध ये करता हूँ कि चूंकि आप हमारे साथ काम किए हैं और आप निश्चित तौर पे जो है एक राष्ट्रीयता से ओतप्रोत व्यक्ति हैं, हमारे जी राजनेता तो दुष्ट लोग हैं, राष्ट्रीयता हाँ तो इनमें दूर दूर नहीं है, इन्होंने राजनेता का शब्द जो है वो दूषित कर दिया है। आज बिल्कुल राजनेता और राजनीति में दोनों में देशद्रोह हाँ की दुर्गंध आती है, आती है कि बिल्कुल नहीं आती है? तो बिल्कुल बिल्कुल अभी तो है 100% ये कोई जो है, आप ये देखिए कि इतने दुष्ट हैं, अनपढ़, गवार और साथ में जो है ना भ्रष्ट, निकम्मे दुष्चरित्र और और अपराधी भी निकम्मे हैं। हाँ आप बताइए, हाँ इन्हें इन्हें हमारा प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? तो सही है आप बिल्कुल आप ना जाति धर्म के आधार पर जो ना मूर्ख बना के कर रहे हैं, आप जो ना पेपर में सभी जगह आपने कब्जा कर लिया है, आप जो है बस जो आप चाह रहे हैं केवल वही छप रहा है, वही छप रहा है आपने बस सोशल मीडिया को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसमें हजारों लाखों लोगों को आपने जो है ना झूठी जो है ना चीजें क्रिएट करने के लिए कर दिया है, तो जो अच्छी बात कह रहा है हाँ वो तो छिप रही है, वो सही तो बात सही है लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, नहीं पा रही है और इतनी बड़ी संख्या में फिर भी सोशल मीडिया से ये लोग घबराते हैं नहीं नहीं घबराते नहीं है, इन्होंने सोशल मीडिया पे भी कब्जा कर लिया है, अपने उन्होंने लोगों को कर रखा है कि हजारों मतलब के संख्या में आईडी क्रिएट करके रोज गंद परोसा जा रहा है, झूठी चीजें परोसी जा रही होता हैं, झूठे टाइटल कि अब ऐसा हो जाएगा तो जो है ना लोग भाग खड़े होंगे, अरे कुछ नहीं हो रहा है, एक ढीले भर का काम नहीं हो रहा है, हाँ। सही बात है सही जो बात अश्विनी है उपाध्याय के जो टाइटल वाइटल कोई बना रहा है, इन्हीं के प्यादे लोग बना रहे हैं किसके किसके सर किसके हाँ भाजपा के, अश्विनी हाँ कौन से उपाध्याय था उनको उपाध्याय जो हमारे हैं, अश्विनी हाँ 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 उपाध्याय एक वकील साहब हैं, पहले आप में जी थे, अभी जो है ना भाजपा में हैं, वो अच्छी बात हाँ करते हैं लेकिन हर बात में कहते हैं कि साथ जो है ना हाँ आप पीआईएल लगाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमने वोट देके इन राजनेताओं को जो है कानून बनाने के लिए कहा था, हाँ इनका दायित्व है कि हम रोज कोर्ट लगा कोर्ट पीआईएल में खड़े रहे, क्यों खड़े रहे जब हमने कानून के हाँ निर्माता बनाए हैं, तो ये कानून के निर्माता सही काय के लिए बने हुए हैं? बात सही बात है हाँ तो मेरा ये कहना है कि अब जो है ना ना कोर्ट में जाना है ना यहाँ जाना है, क्राइम फ्री हाँ भारत मिशन से जुड़िए, पूरे जगह जो है ना उनको जोड़ते जाइए, दिसंबर में सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता हार जाएंगे, माननीय हाँ जो है शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ भी हारेंगे, हाँ रहेंगे दोनों दोनों को ये हारना दोनों पड़ेगा भी हारेंगे, हाँ छोटे सही बात छोटे है तो हारेंगे ही हारेंगे, अरे बड़े 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 ये तो बड़े हारेंगे भी हारेंगे और ये उन लोगों से हारेंगे जिनके चेहरे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सही बात वो कौन है, वो चंद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त कौन होगा, जिस दिन चुनाव ओहो घोषणा होगी जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 230 लोग होंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे, तो आज उनके चेहरे स्पष्ट हैं नहीं क्या? आज उनके है चेहरे स्पष्ट नहीं है, दीक्षित जी सही यदि बात चाहेंगे भी और लोगों को जोड़ेंगे भी तो उस कंपटीशन में जब 230 में आ जाएंगे तब जो है ना वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब विधायक का टिकट मिलेगा, तो सही इसमें बात तो विधायक का टिकट भी मिल रहा है ना, हाँ एक सही बात पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी राइट क्राइम फ्री भारत मिशन को सरेंडर कर दिए हैं, राइट, और वो बिल्कुल उस पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि जो क्राइम फ्री भारत में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त साबित करेगा, टिकट केवल उसी को दिया जाएगा, तो क्या टिकट बात मिल गया आपको, राइट, अब हाँ आपको सही जो बात है किसी के सामने जो है जाके हाथ नहीं फैलाना है, तो ठीक बात है सही आपको बात अपनी ही जो है एक ही बात कहना है कि भैया ये क्राइम फ्री भारत मिशन है, 21 लक्ष्यों के साथ आपका जो है ना भविष्य बदल जाएगा, चाहिए क्या? हाँ तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है जिसमें एक सेल्स पर्सन जाता है और वो हाँ आपको जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया है उसको देता दिखाता है, कहता है भाई साहब खरीदोगे क्या, तो उसमें हाँ जो है सेल्स पर्सन की और कोई भूमिका नहीं है, वो अपना प्रचार नहीं कर रहा है कि भाई साहब मुझे हाँ वोट दोगे क्या, राइट, तो इसमें भी हाँ क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त एक बार भी नहीं कह रहा है कि भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने वोट भी वो भी भरा हुआ है, अपना नामांकन भी भरा हुआ है, मुझे वोट दे देना, ये कहना हाँ प्रतिबंधित है इसमें, सही बात है क्यों? हाँ क्योंकि वो तो कुछ लोगों की संगोष्ठी कर रहा है, यदि इसमें एक व्यक्ति से भी कह दिया कि मुझे वोट दे देना तो दूसरा कहेगा हाँ मेरे से तो कहने ही नहीं आया,
हाँ सही उससे बात तो ये कहने पर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने नामांकन भरा है, भाई साहब हाँ मुझे वोट दे देना। वो किसी से वोट मांगने नहीं जाएगा, सही वो बात हर किसी से यही कह रहा है कि भैया ये क्राइम फ्री भारत मिशन है, इसके 21 लक्ष्य हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना संपीड़न अकाउंटेबल हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी, सही निर्णय नहीं लेगी, समय पे निर्णय नहीं लेगी तो उसे लखों में जो है ना आपको जो है ना क्षतिपूर्ति देना होगी, वो भी अपनी जेब से। सही बात है और जो सही है बात ये डिजिटल जो है ये पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार करके वो भी नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार का पैसा दे दे, तो भ्रष्टाचार का मेरे पैसा है ना, तो भ्रष्टाचार कर पाएगा ना भ्रष्टाचार का पैसा दे पाएगा, राइट। पास तो तो सर हम ये फिर इसको जी है? हाँ तो हम फिर अब इसको पत्रकारों से जरा टोल लेते हैं कुछ बहुत नहीं, फिर तो और वो नहीं क्या लेना है, कन्विंस करिए हाँ उनको, तैयार हाँ करिए। और देखिए उन लोगों के पास जाइए जो जो है हाँ ठेकेदार नहीं है, आज जो ठेकेदार बना हुआ है वो आपके पास नहीं आएगा, हाँ सही बात है हाँ वो जो भाजपा की से उसकी नजरें मिली हुई हैं, नजरी संकोच है उसमें, राइट। हाँ हाँ वो जो कोई कमलनाथ से संकोच है, किसी को किसी से किसी से, जो किसी ना किसी का जो है हाँ पट्टा अपने माथे पे लेके घूम रहा है, उससे बात मत करिए, हाँ सही बात उसके है हाँ छोटे पद उससे बात करिए, जो अपना हाँ पेट पालने के लिए छोटे छोटे रिपोर्टर पत्रकार हैं उनको पद हाँ दीजिए, हाँ ये क्योंकि अपन हाँ ये काम ऊपर भी कर रहे हैं, ऊपर भी कर जो रहे हैं इनके वोटों का ठेकेदार बना हुआ है उसको थोड़ी अपन बात कर रहे हैं, उसे कह रहे ये तू बात कर तू रहे हैं बेटा ठेकेदार बने रह, हाँ तेरे नीचे की फौज तो जो ना क्राइम फ्री भारत में चली जाने वाली है। तो सही ये सही जो सही ठेकेदार हैं, ये हाँ ठेकेदार के अकेले वोट जाएंगे कांग्रेस और भाजपा को, उनके नीचे, अरे जो ठेकेदार बने उनकी बीवी भी उनको वोट नहीं देगी, वो कांग्रेस वो अपराध मुक्त सही भारत मिशन को वोट देगी, बात है सही बात है उनकी सही बीवी, हाँ उनके बच्चे भी हाँ नहीं सही देंगे। सही बात है तो सही बात दूसरे है ठेकेदार को तो छोड़ दीजिए, अपने घर वालों का भी ठेका नहीं ले पाएंगे वो। हाँ तो ठीक है सर आपने इस काम नहीं पर तो मैं आप मेरी इसको बात से कहां तक सहमत हैं? हाँ नहीं मैं इसको और थोड़ा मतलब आज और आज शाम तक इसको पूरा मंथन कर लेता हूँ मंथन करिए और फिर कल, फिर कल तक हाँ सहमति दीजिए मुझे, हाँ जल्दी क्या है। कल हम हाँ आपसे बात कर लेते कल हैं आप से, पक्का कल आप जो है ना बात कर भी कर लीजिएगा, सहमति हाँ भी दीजिए, पक्का पक्का और हाँ तब तक जो है हमारी है, उस समय हमारी आप है, फ्री रहते हो सर उस समय आप फ्री रहते हो जब बात करूँ मैं आपसे क्या क्या नहीं, किसी भी समय कर लीजिए आप, अब हाँ यदि हाँ आप बस ठीक है रिंग दे दीजिएगा, जब आप रिंग, यदि मैं हाँ नहीं उठाऊंगा तो मैं खुद आपको फोन करूंगा, हाँ बस ठीक है ठीक वो है ठीक है फोन सर करने की ठीक जिम्मेवारी फिर मेरी हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है सर नहीं है मैं ना। बात कर चलिए, हाँ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय नमस्कार।